राजधानी लखनऊ में लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने यूपी में हिंदुत्व को लेकर समीकरण बैठाना शुरू कर दिया है, जिसको लेकर कांग्रेस मुख्यालय में नवरात्रि के पावन पर्व पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने 16 कन्याओं को तिलक लगाकर उनको चुनरी उड़ाई है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का कहना है कि यूपी की 80 लोकसभा सीटों को लेकर कांग्रेस ने मंथन शुरू कर दिया है। समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन को लेकर मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवार दिए हैं, जिसको लेकर के अजय राय का कहना है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई है और समाजवादी पार्टी को कांग्रेस का साथ देना चाहिए। पूजन ये हमारी परंपरा है, हमारी सनातन धर्म की परंपरा है और नवरात्र में हम नौ कन्याओं को नौ देवी के रूप में उनका पूजन करते हैं। उनको हम नौ कन्याओं से का जो हम पूजन करते हैं नौ देवी के रूप में और मंगल कामना करते हैं। पूरे देश में, पूरे राष्ट्र में, पूरे विश्व में सुख समृद्धि हो, इसकी हम कामना के खाई हम सनातन धर्म है, बाबा विश्वनाथ के भक्त हैं और ये परंपरा हमारी पहले से चली आ रही है। आज से इसके पहले भी रही है, आज हमने मंदिर पर पूजन किया है और निश्चित तौर से ये हम सब सुख समृद्धि के लिए सबके लिए काम करते हैं और ये सेवा दल के तत्वाधान में यहाँ पर आयोजित किया गया है। मैं सेवा दल के लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ।